हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जेंडर एप्लीकेशन यानी एक्जेंडर से कोई भी वीडियो कैसे शेयर कर सकते हो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में। आइए जानते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों फ़ोन में जेंडर एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, आपको भी कर लेना है। तो हम इस वाले मोबाइल से इसमें भेजना चाहते हैं, तो हम इस वाले मोबाइल में नीचे ग्रीन टिक दिखाई देगा, आपको इस पर टच करना है। तो हम सेंड करना चाहते हैं, तो सेंड पे हम टच करेंगे। यहाँ प्रिपेयरिंग ले रहा है। इसके बाद यहाँ पे QR कोड आ जाएगा एक, और नीचे आपको यहाँ पे भी एरो दिखाई देगा दूसरे मोबाइल में, इस पर टच करना है। और यहाँ पे आपको वीडियो लेनी है, तो इसलिए आपको रिसीव करना है। यहाँ पे स्कैन टू कनेक्ट कहेगा, आपको इस पर टच करना है। इसके बाद आपका जो कैमरा चालू हो जाएगा, आपको इस कैमरे से उस QR कोड को स्कैन कर देना है। तो हम स्कैन कर देते हैं, और स्कैन करने के बाद ये एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है। नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा दो गोल सर्कल बने हुए, यानी हमारा मोबाइल अभी कनेक्ट है। इसके बाद आपको वाली वीडियो ले लेनी है जो आप शेयर करना चाहते हो। तो यहाँ पे एक वीडियो है मेरे पास, तो हम इस वीडियो पे टच करते हैं और नीचे सेंड पे क्लिक करते हैं। आपको वीडियो ले लेनी है, सेंड पे हम टच करते हैं। इसके बाद आपको नीचे एक सर्कल घूमता हुआ दिखाई देगा दोनों के अंदर, यानी हमारी जो फाइल है अभी ट्रांसफ़र हो रही है, और ये ट्रांसफ़र हो चुकी है, और ये ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो आपको यहाँ पे नीचे फोल्डर में जान तो आपको यहाँ पे ऊपर कोने पे फोल्डर में जाना है, जेंडर एप्लीकेशन में जाना है, और वीडियोस में जाना है। यहाँ पे आपकी वीडियोस आ जाएगी, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।